Hello friends, today I'll just give you a brief introduction on the Visio programming, which we normally use for our Allerton controllers on the BMS programming side. So this is our, if you've already had have prior experience on the BMS programming using Microsoft Visio, then you'll be familiar with these modules or views and the controllers and the setting. I'm going to take a brief project of mine and just show you how and what these software modules mean. So if you can see, this is the pan and zoom window. So this will be your regular window, so you can make it small or big. This is your page. Then if you go to file and then you will see the pan and zoom window in the view section, then that way you can actually pan to the section you want to go to and you can get the size of the program page as per your requirements. So aapke requirements ke hisab se aap adjust kar sakte hain. And aap dekhiye, abhi main ek AHU ka hi program le leta hun. So AHU ka program hai. और हम लोग फैन कमांड को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए क्या क्या मॉड्यूल्स लेंगे, क्या क्या कंडीशंस रखेंगे, क्या क्या इनपुट्स लेंगे ताकि द फैन ऑपरेशन इज प्रॉपर और फैन का कोई भी अलार्म्स हो वो भी एक्नॉलेज करके फैन के सेफ्टी कंडीशंस को देखते हुए हम लोग फैन को स्टार्ट करेंगे. एयर हैंडलिंग यूनिट में जैसा आप जानते हैं चिल्ड वाटर, हॉट वाटर हो सकता है. But we are just focusing on this page to get the fan started. That's the first step. तो आप देख सकते हैं ये हमारा मॉड्यूल है और हम लोगों ने ऑक्यूपाइड कमांड को एक ये दिया है. BU40 होता है एलर्टन में. BU40 is the point. ये बाइनरी वैल्यू होता है. BV is binary value. AV is analog value. AI is analog input. And BI is binary output. As you know from the BMS. IO points. तो ये BV और AV हमारे ये सॉफ्टवेयर पॉइंट्स होते हैं. ये दे आर नॉट हार्डवेयर पॉइंट्स बट दे आर सॉफ्टवेयर पॉइंट्स विद इन द प्रोग्राम. और हम लोग BU40 लेके फैन को जैसे ही कमांड देते हैं तो फैन स्विच का स्टेटस हम लोग बाइनरी इनपुट 9, ये फिजिकल इनपुट होता है कंट्रोलर के इनपुट नंबर 9 पे. और डिले ऑन ब्रेक होता है 30 सेकेंड्स के बाद ये कमांड मिलने के, ये इनपुट के 30 सेकेंड्स के बाद ही ये बाइनरी वैल्यू 46 में जाके हमारे को एक वैल्यू देगा. ये लॉजिक है एक्चुअली, ये लॉजिक हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं. ये बाइनरी आउटपुट है, ये कमांड है. तो ये हमारे रिले या फैन के रिले के स्टार्ट को रिले को एनर्जाइज करेगा. तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप हो गया और सप्लाई फैन अलार्म, ये अलार्म कंडीशन है. अगर फैन डजंट रन तो हाँ 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गया और फैन नहीं चल रहा है, दैट मीन्स फैन ट्रिप हो गया या मोटर फेल अलार्म है या देर इज़ अ इशू विद द फैन एंड मीन टू चेक द फैन प्रॉपरली. और ये अलार्म रीसेट के लिए. तो ये हमारे अलार्म के रीसेट कंडीशंस हो गए. अभी हमारे ऑक्यूपाइड, वार्म अप, कूल डाउन, मैनुअल, डिसेबल, लो लिमिट अलार्म्स, यूजुअल अलार्म्स के साथ हम लोग वो पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए सारे पॉइंट्स इफ दे आर प्रॉपरली गिविंग अस, जस्ट ज़ूम इट आउट लिटिल बिट, आप देख सकते हैं अगर हमारे सारे सेफ्टी कंडीशंस मीट होते हैं तो हम फैन को कमांड को ऑन करते हैं और हमारा फैन स्टार्ट हो जाएगा, रिले को ऑन कमांड मिल जाएगा. और हमारा ये सारे सेफ्टी कंडीशंस हमको देखना है कि ऑक्यूपाइड स्टेटस ऑन होना चाहिए, ज़ूम इन बैक, ऑक्यूपाइड स्टेटस ऑन होना चाहिए, वार्म अप कमांड नहीं चाहिए हमें, कूल डाउन कमांड नहीं चाहिए, मैनुअल डिसेबल नहीं होना चाहिए, लो लिमिट अलार्म नहीं होना चाहिए, डक प्रेशर लिमिट विद इन नॉर्मल रहना चाहिए, फिल्टर अलार्म सेट पॉइंट सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए और हमें आउटपुट का कमांड फैन में मिल जाएगा. तो ये एक पेज के हिसाब से हम लोग फिजियो प्रोग्राम को ऐसा डिज़ाइन करते हैं. लेकिन अगर आप नए प्रोग्रामर हैं आपको शुरू से डिज़ाइन करना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एलर्टन का एंड यू कैन यूज़ देम एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज. अभी मैं दूसरे भी पेजेस आई एम ट्राइंग टू गेट द होल प्रोग्राम आउट फॉर द रेफरेंस एंड फॉर द ईज ऑफ ऑल द
प्रोग्रामर्स आउट देयर, तो मैं उसका भी प्रोग्राम बना के आई एम काइंड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इट ऑन दी ऑन माय प्रोग्रामिंग चैनल। अभी ये दूसरा पेज था प्रेशर और फैन, और इस पेज में हम लोगों ने फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है, और हमारे पास स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, बेसिकली डक्ट प्रेशर सेंसर लेके हम लोग स्पीड पे कंट्रोल करेंगे। तो ये सेकेंड पेज के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। फिल वक्त के लिए ये बेसिक्स के साथ मैं शुरू करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो से आपको मोर इन डेप्थ लेके जाऊंगा। थैंक यू।